हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है। आज बात करने वाले पीएमसी फाइन क्रॉप्स लिमिटेड शेयर की। तो क्या दोस्तों, शेयर को खरीदना चाहिए, सेल करना चाहिए, फिर होल्ड करना चाहिए? बेसिकली जितना भी क्वेश्चन है सब चीज़ का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक वॉच कर सकते हो, और दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, लाल कलर जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है जल्दी से दबा दे, उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलती है। और वीडियो को एंड तक वॉच करने की कोशिश करो, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो दोस्तों अगर आज बात करें पीएमसी फाइन क्रॉप्स लिमिटेड शेयर की, शेयर का जो प्राइस है 7.83 रुपये, लगभग 0.41 पैसे का लोअर चल गया है। दोस्तों ये 28 जनवरी का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ट्रेडिंग व्यू है, जब मार्केट क्लोज हुआ था अब इसका प्राइस है। मतलब दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग मंडे तक में क्या कुछ करनी चाहिए जिससे आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी एक घंटे का 28 जनवरी का चार्ट देखोगे तो दोस्तों मार्केट ऑलरेडी नीचे गया है, ठीक है। और मंडे तक में दोस्तों और थोड़ी बहुत लगभग 30 या 35 पैसे का लोअर से लगने के चांसेस थोड़े बहुत हैं। 80% चांसेस अगर लग सकते हैं, लेकिन 20% चांस नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों मार्केट में अच्छे खासे लोगों ने बाई करना शुरू कर दिया अभी, ठीक है। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट मंडे में सपोर्ट की बात करें तो 7 रुपये का सपोर्ट है, ठीक है। 7 रुपये से नीचे नहीं जाने वाला है, इतना आप लोग कन्फर्म मान के चलो। तो दोस्तों अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल कर दो, एटलीस्ट जनवरी एटलीस्ट खत्म होने वाला, आप चाहे तो सेल कर दो। लेकिन दोस्तों फरवरी तक में, जब फरवरी स्टार्ट होगा तब आपको दोस्तों एक यही टारगेट लेके चलना है कि आपको बाय करना है तो एकदम सेल नहीं करना, एटलीस्ट 3 महीने के लिए यही आपको टारगेट लेके चलना है, 1 महीने के लिए मत रखना, ठीक है। यही मैं आपको बोलूँगा। और यहाँ प्राइस परफॉर्मेंस देखोगे पिछले एक हफ्ते में तो लगभग 18% का नुकसान हुआ है, ठीक है, साफ साफ देखोगे। लेकिन वह लॉन्ग टर्म में देखोगे पिछले 3 महीने में 343% का अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट करके दिया है मार्केट में, जो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। मार्केट में रेगुलर लोग बाई कर तो रहे हैं, सेल भी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम 28 जनवरी को गया था, मतलब अच्छे खासे लोगों ने बाई किया था। मतलब अब धीरे धीरे अपर साइड लगने के चांसेस बने हुए हैं। तो फिलहाल आपको वही टारगेट रखना है कि आपको होल्ड करना है और सेल आउट नहीं करना मार्केट में। वहीं दोस्तों बीएससी में अगर बायर्स सेलर्स का अपडेट देखोगे, ज़्यादा कुछ खास बायर्स आज दिखेगा नहीं क्योंकि दोस्तों मार्केट क्लोज है। तो दोस्तों मंडे में अच्छे खासे थोड़े बहुत 30 पैसे या 35 पैसे का लोअर सेल लगने वाला है, तो आपको सेल नहीं करना है। आप चाहे तो कर सकते हो, आपको ज़्यादा नुकसान है तो नहीं तो आप होल्ड करना।